मैं उमा प्राशर हरियाणा से डेलीगेट नंबर 16 इन पॉपुलर क्वीन। आज का वेबिनार हमारा बहुत ही विस्तृत जानकारी देने वाला था पीस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इस पर हमारे गेस्ट ने हमें इसमें विस्तृत जानकारी दी। मेरे विचार इस बारे में इस तरह है, हमें पशुओं की, जंगली जानवरों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। पीछे हमारे शेरों को बचाने के लिए एक मुहिम चली थी, जिसके कारण अब हमारे जो टाइगर हैं काफ़ी सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण, अपने पैसे के लालच के कारण इन निर्जीव जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, जो कि निंदनीय है। बारहसिंगा के जो सींग हैं, इसकी चाइना में बहुत डिमांड है, इसलिए वहाँ के लोग इसकी हत्या कर देते हैं और सींग बेच देते हैं। लेकिन अब हमारे ऐसे सख्त कानून बन चुके हैं जिसमें 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके लिए मन से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी की हत्या क्यों कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए। लेकिन इसके लिए हम सबको अवेयर होना भी ज़रूरी है। अगर हम किसी को देखते हैं कि वो इस तरह से शिकार कर रहा है और निर्जीव लोगों की हत्या कर रहा है, तो हमें उसको रोकना चाहिए। दूसरा विषय है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में हम सब चिंतित हैं, हमारी सरकार, हमारा समाज, सब लोग इसके बारे में चिंतित हैं, क्योंकि इससे हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो हमारे जंगल हैं उनको काट कर वहाँ पर मल्टीपल स्टोरीज बना दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इसके लिए हम जो बिल्डिंग्स बन गई हैं उनको गिरा तो नहीं सकते, लेकिन हम सब मिलकर एक प्रयास कर सकते हैं कि हम अपनी ये ड्यूटी समझें कि हमें अपने हाथ से एक पेड़ ज़रूर लगाना है। अगर हम एक एक पेड़ लगाएंगे तो भी हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है कि काफ़ी हद तक हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें ग्रामीण क्षेत्र में जाकर भी लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए, पेड़ मत काटिए, पेड़ों से हमें सुरक्षा मिलती है, पेड़ों से भूमि का कटाव नहीं होता। इसलिए हमें वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें कपड़े का थैला इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम बाज़ार जाते हैं तो पन्नियों से क्या होता है कि उसमें हम कुछ खाने की चीज़ भी डाल के फेंक देते हैं, जिससे कई बार क्या होता है, गाय या कोई भी जानवर जिसको भूख लगी होती है वो खा लेता है, वो अंदर जाने से उसकी सांस रुक जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम वातावरण को दूषित कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक का रिसाइकल बहुत कम होता है। ये पानी में या समुद्र में जाता है तो मछलियाँ मर जाती हैं। जिस चीज़ से हमें नुकसान होता है उसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए हम उसका कम से कम इस्तेमाल करें। बच्चों को टिफ़न्स स्टील के दे सकते हैं, जैसे हमारे मदर्स हमें पहले दिया करती थी। हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो रिसाइकल होते हैं। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बनाने वाले बेचेंगे कहाँ पे? तो पहले हमें इस बारे में अवेयर होना चाहिए। और जो जंगल की जगह गवर्नमेंट की तरफ से होती है, अगर वहाँ पर कोई वृक्ष काटता है तो हमें उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि आप उसके साथ नहीं लड़ सकते, आप सिर्फ जागरूक हो सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप झगड़ा करके आगे नहीं जा सकते, तो आपको चाहिए उनके लिए पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। इसमें दंड का प्रावधान है और जेल भी हो सकती है। मैं लास्ट में यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, बच्चों को प्रेरित कीजिए,
स्वयं लगाइए और हरा भरा हमारा जो देश है उसको फिर से सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश कीजिए। एनवायरनमेंट स्वच्छ होगा, हमारा स्वास्थ्य स्वच्छ होगा, हम स्वस्थ होंगे तो हमारा दिमाग स्वस्थ होगा और हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। थैंक यू, सबको लव यू।